नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों की इस दौर में आपके साथ मैं उदीपा सिंह। एवरीडेन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा सरकार के तमाम हथकंडों के बाद पलवल से जबरन खत्म किए गए किसान धरने को एक बार फिर आज से शुरू कर दिया गया है। अब किसी भी तानाशाही शक्ति की हिम्मत नहीं है कि इस किसान धरने को बिना उनकी मांगे माने खत्म कर सके। ये कहना है पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल का। वे आज से शुरू हुए किसान के धरने को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधित कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार पिछले दो महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच कई ऐसे मोड़ भी आए जब ये लगने लगा कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन बीती 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे दम तोड़ चुके किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम किया हो। हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे चौधरी करण सिंह दलाल ने आज हजारों किसानों के साथ उसी जगह पर जाकर किसानों के साथ बैठक और आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। साथ ही इस मौके पर सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि आज से किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए पलवल का किसान फिर एक बार सड़क पर अपना प्रदर्शन शुरू करेगा। इसी संदर्भ में एक 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और आंदोलन करने के लिए एक व्यवस्थित जगह का चुनाव किया गया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। वहीं इस धरने को लेकर किसानों को संबोधित करते हुए करण सिंह दलाल ने कहा कि पलवल में आज से NH-19 पर अटोहा चौक के सर्विस रोड पर किसान अपना धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे, जिससे कि हमारे इलाके के लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी ना करनी पड़े ऐसे में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसानों के सामने आती है तो पूरे इलाके का किसान एकजुट होकर अपने संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करेगा। वहीं किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आज से किसानों का धरना प्रदर्शन पुनः शुरू हो चुका है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। उनका कहना है कि पलवल की अनाज मंडी में कल 52 पालों की एक महापंचायत हुई थी, जिससे हम इस आंदोलन को दोबारा से शुरू करने का निर्णय ले चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आज अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं ADC सत्येंद्र दुहान ने कहा कि हमसे किसान और किसान नेता आकर मिले हैं, जिस पर उन्होंने शांति प्रिय तरीके से धरना करने के लिए सहमति मांगी है। साथ ही बिजली, पानी व शौचालय की भी जरूरतें बताई गयी, जिन पर हम उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे। हमारी 52 पालों का जो हुक्म है उसके मुताबिक हमें ये जगह देखनी है, जिसमें सड़कों को ना रोकने का पहले ही हमारी पाली फैसला करे बैठी है, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन हमदर्दी के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ अपने इलाके की गालियां खाने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। और धरना प्रदर्शन का एक संदेश होता है कि जो दर्द इलाका महसूस कर रहा है उसे आने जाने वाले निकलते हुए जाएं और वो देखें भाई लोग बैठे हैं, भाई बड़े दुखी हैं कि सरकार थोड़ा काम कर रही है, मकसद वो है। दूसरा, जो आज अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है कोई उसकी नहीं सुन रहा, बहन बेटियां तक हमारी बैठ ली, ट्रैक्टर चला के जा ली, बड़े बुजुर्ग जा लिए। आज भी कई बुजुर्ग जो है ना इतना हिम्मत दिखा रहे थे कि भैया मैं रहूंगा सबसे आगे। तो बहरहाल ये फैसला किया है हमने, उनको दो जगह बताई और दो जगह जो हमारी कमेटी ने पसंद की, पहली की जहां पहले बैठे हुए थे उससे दूसरी सड़क पर, ऐसे ही है ना जी स्वामी जी, और जो दूसरी पसंद की वो हमने की है जो एक सड़क तो गुड़गांव वाले ऊपर KGP पे चढ़ती है और एक सड़क जो ये चल रही है इसका बीच का तिकोना है, पार्क का कोना। तो कमेटी ने दोनों उसके वहां रखी, तो वो अफसर कहा जी फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं भी अपने अफसरों से पूछ लेता हूं, भैया बेशक पूछ ले, तू हमारे इलाके की मर्यादा न देख, हमारे इलाके की सहनशीलता मर्यादा क्या है, तुम्हारे संग करना तो क्या चाहिए, पर हम आज दूसरे तरीका से अपने इलाके की मर्यादा दिखा रहे हैं। वो ADC वहां गए, उन्होंने चंडीगढ़ की या कहां बात की, उन्होंने जो दूसरी जगह जो फिर समझ लो बिल्कुल सड़क के समतल है वो कह रहे हैं कि तुम यहां बैठ जाओ, गड्ढे में यहां में हम ना बैठ, ये जो नीचे के हैं ना दोनों तरफ, सरकार कह रही है इनमें कहीं बैठ जाओ, मैं हम नहीं बैठेंगे, बैठेंगे बिल्कुल सड़क के संग ही, ठीक है वाहन नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पे ना बैठे फिर कहा धरना हुए। तो ये तय हुआ है कि वाहन कोई नहीं रुकेगा ना रोकेंगे,
जो सड़क गुड़गावा के लंबे बाईपास पे चढ़े हैं और जो यू अंदर से दिल्ली के नहीं अंदर जाए या के बीच में कौनो है वहां धरना हमारी कमेटी ने भी और प्रशासन ने भी मंजूर किया है। अब आप बताओ यू ठीक है कि ना? क्या इतना हाथ उठाओ ऐसे नहीं कल कहीं का वजह नहीं कहा कर लाई ठीक है जी। दूसरी हमने शर्त ये रखी कि वहां बिजली और पानी वो सरकार देगी, बिजली और पानी की। उनने कही जी हम बिजली और पानी देंगे, अपने आप बोले हमने नहीं कही। उनने कही जी हम शौचालय हम देंगे, तो शौचालय के पीछे से बीजेपी लगी रही है शौचालय शौचालय बतला रही है बातें। अरे हम नाच की बतला रहे हैं ये शौचालय की बतला में इनके पास इनके अफसर भी और इनके नेता भी, तो ये शौचालय ये कह रहे हैं तुम्हें दे दीजिए कोई बात नहीं। अब हमारा अगर आपकी मंजूरी है तो जल्द से अगली बात, अब जो भैया टेंट वाले हैं वहां जाओ सफाई करवाओ और वहां टेंट लगवाना शुरू करो। कहां में इंद्र चौहान साहब भाई साहब हाँ बताओगे आज ये जो 11 सदस्य की टीम बनाई गई थी क्या निर्णय लिया गया? फैसला हुआ है कि अब किसान आंदोलन को जारी रखा जाएगा और बिल्कुल शांति से ईमानदारी से अहिंसा के रास्ते पर अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे और बिल्कुल शांति के साथ तमाम इलाके के लोगों ने फैसला किया कि आंदोलन जारी रहेगा चलाएंगे इसे और जो हमारे तीन सिद्धांत थे पहले भी वे शांति से रहेगा सामूहिक नेतृत्व रहेगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के हवाले हम कोई आंदोलन नहीं होगा। दो जगह चिन्हित की गई थी धरने के लिए, प्रशासन से मांगी है प्रशासन ने सहमति जता दी है उस जगह पर ही आंदोलन होगा। जो सर्विस रोड है अपना सर्विस रोड छोड़ देंगे। कौन सी जगह आप ये फिलहाल धरना? अटोहा मोड का ही ये अटोहा का चौक बात है। देखिए आज किसानों की जो पंचायत हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि वो किसी भी रूप में सड़क को अवरुद्ध नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण अपना धरना रखेंगे और प्रशासन से तालमेल करके ही वो अपना आगे धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने एक तिकोनी जगह जो रोड से हटके है और अलग है ताकि जिसे किसी भी यातायात अवरुद्ध ना हो उस जगह का चयन किया है जिसको प्रशासन ने निष्पक्ष रूप में एक बार वो करके और इनको एक अधिकृत कर दिया है यहाँ करने के लिए। क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी इनको, सुविधा क्या दी जाएंगी जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए जो मानवीय तौर पर जो प्रशासन का फर्ज बनता है वो पूरा किया है। एडी साहब पहले प्रशासन ने ही धरना हटवाया था और दोबारा से प्रशासन की इजाज़त से हुआ है, ये क्या है फिर? ये प्रशासन की इजाज़त नहीं है और ना ही धरना प्रदर्शन या जो पहले हटाया या बाद में हटाया ना हमने पहले किसी को कुछ कहा था ना अब हमने। तो प्रशासन मानता है कि प्रशासन की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है किसानों को धरना देने? नहीं, नहीं हमें ऐसा वो नहीं है, हमारे पास कोई इजाज़त नहीं है, इन्होंने इजाज़त नहीं दी है।